देखो इतनी बड़ी हो गई है, मेरी भी मम्मा है, लेकिन फिर भी बच्चों जैसी स्माइल है। प्लीज आप बुरा मत मानना, शादी के बाद भी मम्मा हमारे साथ ही रहेगी। अनुष्का मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, पर माँ के बिना मैं कभी नहीं रह सकता। लव यू मम्मा। बहुत छोटा सा था मैं जब मेरे पापा गुजर गए। माँ चाहती थी कि मैं पापा की कमी कभी महसूस ना करूं, इसलिए माँ ने मुझे माँ का और पापा का प्यार दिया। नहीं माँ मेरे लिए नए नए खिलौने लाती थी, नए नए कपड़े, कहाँ-कहाँ घूमने ले जाती थी, और फिर एक दिन एकदम से मैं पापा के बारे में भूल ही गया। क्या हुआ बेटी, बोलना, भूख तो लगी होगी। देखो अब मैं थक गई हूँ, आज से तेरी ड्यूटी है राघव की फेवरेट डिशेस बनाना। आओ, अरे चलो डिनर करने, माँ ने कहा ना आराम करने दो। आओ, अरे आओ। सोचती बहुत है। आओ, आओ। वॉशरूम हो क्या आते हैं? ठीक है, हम खाने की तैयारी कर देते हैं। अनु में टेंशन हो रही है, आप ठीक तो हैं? इतना टाइम क्यों लगा रही हैं? हाँ हम ठीक है, ठीक है। जल्दी आइए अनु, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हम ऐसे हार नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, यहां से हमें बाहर निकलना है। कैसे, यहां तो कोई आता जाता भी नहीं है, सिर्फ राघव ही है यहाँ पे बस। राघव, हमें राघव का दिल जीतना होगा, उसे विश्वास दिलाना होगा कि वो हम पे विश्वास कर सकता है, उसे बातों में फंसा के हमें यहां से निकलना होगा। कैसा लग रहा है? अच्छा। सच में अच्छा लग रहा है या मेरा दिल रखने के लिए कह रही है? देख फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, नहीं अच्छा लगे तो हम बदल देंगे। नहीं आंटी, हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, तुम सच में अच्छा लगा, थैंक यू। एक तू ना मुझे ये मिंटी आंटी रखा, मुझे जरा नहीं अच्छा लगता, मुझे वो पुरानी वाली खड़ूस मिंटी आंटी याद आ जाती, चुड़ैल जी। वैसे भी अभी 2 दिन रह गए, कोई अच्छा सा नाम सोच ले मेरे लिए। मॉम, मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ
ये अच्छा है। अनु भी मुझे मम्मी जी कह के बुलाती थी। अब मेरी ये बात मान गई है तो मेरी एक और बात मान। कहिए ना। कल ना घर में बहुत सारे काम है, मेहंदी की तैयारी है, शादी की तैयारी है, और मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती ना, इसलिए मैं तेरे साथ ना शादी की शॉपिंग के लिए नहीं जा सकूंगी। तो एक काम करना, रजत को ले जाना और अपने सारे कपड़े ले आना, ठीक है? ओके मम्मी जी, हम रजत के साथ जाकर सारी शॉपिंग कर लेंगे। ओके ये तो वही दुकान है ना जहाँ आप अनुष्का से पहली बार मिले थे। हाँ, तुमने अब नोटिस किया? मैंने तो पहले ही नोटिस कर लिया था, बस कहा नहीं था कि ताकि हमें बुरा ना लग जाए। ऐसी कोई बात नहीं है रजत, जितना प्यार आप अनुष्का से करते हैं, नहीं प्यार हम भी उससे करते हैं। और जिस दिन आप अनुष्का को पूरी तरह भूल जाओगे, वो बात हमें कभी पसंद नहीं। पता नहीं हम अनुष्का से आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या कर। पर हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी शादी तो आगे चलाना चाहते हैं, पर अनुष्का को बुलाकर नहीं, हम उसकी यादों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। चलो जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। ये सब गुड मॉर्निंग ये सब हमने आपके लिए नाश्ता बनाया है। आइए ना बैठिए। वाह, आज ये सब असल में कल आपकी माँ से मिलने के बाद हमारे विचार बदल गए। जो इंसान अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखेगा ना। आप घर में इतना सारा काम करते हैं, क्लिनिक जाते हैं, माँ का ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम आपका थोड़ा बहुत हाथ बटा दें। तो इसलिए राघव, वो क्या हम कभी बाहर जा सकते हैं? नहीं, वो क्या है ना, इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, धूप तक नहीं देखे। तो क्या हो जाएगा धूप देखकर? आपको बाहर से क्या चाहिए? हीरे, जवाहरात, कपड़े, नेल पॉलिश, आईलाइनर, लिपस्टिक? कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तो हम आपसे मांग लेंगे। परफेक्ट। जी पापा। हाँ बेटा, मीटिंग हो गई तुम्हारी? जी पापा, वो तो 15 मिनट पहले ही हो गई। जो प्रेजेंटेशन देनी थी हमने दे दी, और हमें लगता है शायद उन्हें पसंद भी आई है। बाकी वो कुछ दिनों में फोन करके हमें बता देंगे। फ्री हो गए तो सोचा कि दिव्यानी के लिए रेवड़ी खरीद ले मार्केट से। बस मार्केट आए। चलो ठीक है, रेवड़ी खरीदते ही वहाँ से निकल पड़ो, है ना, इससे पहले कि देवयानी और प्रिया का फोन आए। वो लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जी पापा, बस थोड़े टाइम में निकल रहे हैं।
थैंक यू। नो, सही कहा किसी ने, इंसान के दिल में अगर जाना है तो उसके पेट के थ्रू जाओ। हाँ, आप भी ना बैठो बैठो बैठो। आपकी कोई बात नहीं माने, बच्चों जैसा मुंह सुझा देती हो आप। बाहर जाना चाहती हो? चलते हैं। प्रॉमिस, अगर आपने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो नहीं, बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। लेट्स गो। चलो कम। रजत, ये साड़ी कैसी है? ये वाली दिखाना। और ये वाली? अब भैया वो ब्लू वाली दिखाना। ये वाली कैसी है रजत? रजत बताइए ना प्लीज, वो क्या है ना, हम सिर्फ अपनी पसंद की चीजें नहीं लेना चाहते, आपकी पसंद जानना भी तो जरूरी है। देवयानी, सारी साड़ियां अच्छी हैं, तुम्हें जो मर्जी है वो ले लो। एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में आता हूं। हेलो, अगर एक बार तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूं उसका मतलब ये है कि मैं बिजी हूं। बार बार कॉल मत करो, मैं सामने से कॉल करूंगा। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? अब मुझे बार बार कॉल करके इरिटेट मत करना, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। किससे इरिटेट और परेशान हो रहे हैं रजत? हमसे? पागल हो गया देवयानी? अगर तुमसे इरिटेट होता तो तुम पे चिल्ला रहा होता ना। मैं तो इस बंदे पे चिल्ला रहा था, बार बार फोन करता जा रहा है, इसे पता है कि मैं बिजी हूं इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूं फिर भी। लेकिन हाँ, अगर फिर से तुमने ऐसी कोई बात की ना, मैं पक्का तुमसे इरिटेटेड हो जाऊंगा। चलो, तुम्हारी साड़ियां तुम्हारा वेट कर रही हैं। कम क्या करें, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते। आज इतनी मुश्किल से बाहर लेके आया है, पता नहीं फिर बाहर आने का मौका मिले या ना मिले। इसके सामने कुछ किया तो इसको शक हो जाएगा, पर हाथ भी तो बंधे हुए हैं। किसी ना किसी तरह से इसे दूर भेजना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या हुआ? क्या हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं? बहुत थक गए। इतनी जल्दी थक गए? वहां बेंच पे चलो, वहां बैठते हैं, बच्चे बच्चे खेल भी रहे हैं। आओ। अच्छा लग रहा है कि नहीं बाहर आकर? अरे अच्छा है यहाँ।
आप भी बहुत अच्छी दिख रही हैं यार। देखो कमाल है, लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। देखो दीदी, बॉल फेंको ना प्लीज। बिना कोई सीन क्रिएट किए दे दो बॉल। हमारी तरफ देख लीजिए दीदी, हमें बचा लीजिए दीदी प्लीज। दीदी बोल दो ना हल्का दीदी प्लीज। क्या क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं क्या? पागल समझाएगा मुझे? अभी अभी तुमने कुछ कहा? क्या कहा? अरे कान ऐसे नहीं बज रहे, क्या कहा? कहो ना। कुछ नहीं कहा हमने। अरे बोलो, किसी का नाम लिया आपने अभी अभी? क्या वापस भागने की सोच रहे हैं आप यहाँ से? जी नहीं बाबा, नहीं नहीं, हमने अपनी दीदी का नाम लिया, अलका दीदी। यहाँ है वो? यहाँ है वो? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो दिल्ली में है ना। असल में पार्क में आया ना, तो उन्हें भी पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हीं की याद आ गई। और कुछ नहीं। बहुत बैठ लिया, चलो बहुत हो गया बाहर का, चलो। क्यों उठियो? दे रहा हूँ ना, चलो चलो। थोड़ी देर बैठते हैं ना, मौसम भी अच्छा है और ह्यूमिडिटी है, हमें नहीं अच्छा लग रहा मौसम, चलो प्लीज थोड़ी देर बैठते हैं ना। कहते हैं चलो 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 चलो, गलती थी बाहर आना। हल्का दीदी कहाँ चली गई? हे भगवान भगवान, कुछ कीजिए, क्या हम इस कैद से छूट जाए? अलका दीदी, दीदी प्लीज देख लीजिए हमें यहाँ पे प्लीज। दीदी कहाँ गई आप? सच में अनु को देखा या फिर मुझे ऐसे ही तो लग रही थी।